बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह के शुक्र है अभी खैरियत से हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं अबू बकर की रेसिपी। तो मैं आज आप लोगों को जो एक मतलब की रेसिपी बताऊंगी जिससे जो है आप लोग सर्दियों में बच सकते हैं। इसके अंदर इस रेसिपी का जो है सर्दियों में बहुत इस्तेमाल किया जाता है और इन चीज़ों से जो है बॉडी फिट रहती है। ड्राई फ्रूट्स की एक रेसिपी है कि हम सर्दियों में किन किन ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। देख लेते हैं हमने किन किन ड्राई फ्रूट्स का लेना है। ये मैंने एक बाउल जो है काजू का लिया है और एक बाउल मैंने पिस्ते का लिया है और ये एक बाउल मैंने नारियल लिया है जिसको मैंने चॉप कर लिया बारीक बारीक से और ये एक बाउल ही मैंने बादाम लिया है और ये किशमिश लिया है कुछ मैंने। तो जो ये सारे मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं तो अब इनको मैं इस बाउल में डालूंगी। ये देखें तो सबसे पहले हम अपने काजू डालेंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर अपनी किशमिश ऐड कर लेंगे और ये पिस्ता डालेंगे। और ये मैंने नारियल भी डाल दिया है और ये मैंने बादाम दिए थे इस पर डाल दिया है। अब इनको हम मिक्स करके रख लेंगे बिल्कुल। देखें इस तरीके से अच्छे तरीके से हमने इनको मिक्स करना है। ये देखिए मैंने सारी मिक्स कर दी है। तो ये जो है मैंने तो ये देखिए मैंने सारे ड्राई फ्रूट जो है ये मिक्स कर लिए हैं। आप लोग इसको जो है जार में स्टोर कर सकते हैं और आप लोग पूरी सर्दी से आराम से खा सकते हैं क्योंकि अगर हम अलग अलग खाएंगे तो इतना अच्छा टेस्ट भी नहीं आता मिक्स करके, तो इसका टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा आता है और आप लोग सर्दी से महफूज रह सकते हो। इससे बॉडी बहुत फिट रहती है। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अबू बकर अली रेसिपी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।